बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी, शुरू करेंगे जी अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ शेयर करते हैं जी। एक दिन एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी, जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। तो कोशिश करनी चाहिए जी, कोई भी बंदा जो जिसको हम जानते हो ना जानते हो, खाना भी हर मुसाफिर को बंदा लाजमी खिला, कम अज़ कम सलाह तो लाजमी मारनी चाहिए। और सलाम करते हुए जो हमारा कोई ज़ोर नहीं लगता, कोई ताकत नहीं लगती, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह या अस्सलामु अलैकुम कहने में कोई जो है ना जी कोई हर्ज कोई नहीं है। सवाब है, नेकियाँ हैं और जो है कोई मुशक्कत वाला काम भी नहीं है। आज के भी लोग कर रहे हैं जी शुरू। तो आज का जो सिलसिला मोहब्बत रहा आपके साथ शेयर करते हैं जी। आज 29 रमज़ान थी, आज 30वां रोज़े की रात होगी सऊदी अरेबिया में, तो ईद होगी। उन सब लोगों को जी ईद मुबारक। अपने यहाँ ईद होएगी हफ्ते वाले दिन, सो कल का हम रखेंगे जी रोज़ा। और रोज़े के हवाले से भी फिर जो है इंशाल्लाह कल आखिरी रोज़ा है, बाकी ईद की तैयारियां शारियाँ हमने की। कुछ सामान सामान हम लेके आए जो ईद के लिए ज़रूरी था, दूध लेके आए, कटिंग शटिंग करवाई, खचित बनवाया। बाकी जो सिलसिला रहा वो आपके साथ शेयर करते हैं। आइए वीडियो शुरू करें और आपको भी अपनी सारी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनाएँ और आपको भी दिखाएँ कैसा रहा अपना आज का दिन। मस्जिद में वायरिंग का काम हो रहा है, मस्जिद में बैठे हैं, सामान ले के आए हैं बाजार से, वायरिंग का जो वायरिंग शेयरिंग होनी है रखे हुए। फराख वगैरह जो ऊपर बंद थे लेंटर में हैं वो ओपन कर रहे हैं, इसमें फिर जो है ना वायरिंग का काम किया जाएगा। बाकी रूटीन अपने ही रहे, तो काम करवाते हैं इंशाल्लाह। रहे जी आज की शहरी दाल है, चिकन वाली, बाकी बटर शटर है। जी आराम फरमा रहे हैं ये लोग भी, अभी इनके हवाले से दिन तो नहीं ना हुआ, तो दाना डाल देते हैं इनको। ये जब भी दाना डालें भूखी होते हैं। ये देखें इसकी आंख, देखें क्या हाल हुआ पड़ा है मच्छर के काटने के बाद का। इसको रात को मेडिसिन वगैरह भी होने लगाई है, निशानी डालते हैं जी इनका और बाकी फिर इसके बाद काम मुकम्मल है। तो अब देखते हैं जी मेडिसिन का क्या रिजल्ट मिलता है, मैं कब तक वो मेडिसिन अपना असर दिखाती है। आज रात को इसको बुखार भी था, तो दिन में कोशिश करेंगे इसको बचने के बाद जो है ना इनको हम ग्लूकोफन वगैरह भी देते हैं, ताकि रात थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है मौसम के लिहाज से, और ये जो फिंसियाँ सी बन गई हैं मच्छर के काटने से, तो इनका जो हल जो है ज़ाहरी बात है अब कुव्वत मुदाफियत कोई बढ़ेगी इनकी, तो फिर ही कोई सिलसिला बनेगा। खैर पानी डालते हैं इनका, पानी भी डल गया जी इनको, नीचे वाले को पानी डालते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जी सोते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल मज़ा कोई नहीं आ रहा जी इनका, देखे ना ये बीमार है। पहले एक बच्चा जो है वो भी बीमारी की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया जी, तो उसके बाद एक बच्चा का बड़ा हो गया था माशाल्लाह काफ़ी, उसको उस दिन बिल्ली ले गई है। और ये भी बस अब जो है ना बीमार ही है, देखें कि हमसे इसकी खिदमत हो पाती है कि नहीं, रिकवर होता है ये कि अभी तक तो इन लोगों ने कोई नहीं अंडे शंडे दिए जी, बैठी रहती है। इसने अंडे दे दिए, इंशाल्लाह जल्दी बच्चे भी निकालने वाले हैं। चल
पर जो भी है अल्लाह का शुक्र है, पानी भी डल गया जी, दाना भी मुर्गियों को और अपने पिजन्स को डल गया। अब जो है आराम करते हैं। आज सुबह बाहर इनको दाना चाना नहीं डाला जी, तो अभी दाना कुछ कर रहा और बेबी के काम देखने कर रहा। तो बेबी इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अभी तक तो स्टिल नाकाम है, देखें कामयाब होता है कि नहीं, फिर ट्राई शुरू कर देंगे। ये देख और ये देखें जी पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे हमारी मुर्गी है जी। मुर्गी को बिठा दिया हमने, देखें अभी अंडों पे बैठती है, अंडे छंडे तो नीचे रखती है तो ठीक है, नहीं तो इनक्यूबेटर में फिर रखते हैं अंडे, काफी दिन के पड़े हैं यहाँ पे। अब ये स्टिल अपनी मस्तियों में लगा हुआ है, ये शोरों पकड़ने के लिए, ये ये ले इधर ये लो, पकड़ ये लो, पकड़ ले, खिचड़ी बनानी है क्योंकि इसके अलावा हम बनाएंगे जी, क्या बनाएंगे, लवेशरी वगैरह बनाएंगे घर के इस्तेमाल के लिए, दूध ले लिए हैं, दूध लेके चलते हैं, इसके बाद कटिंग शटिंग करवाते हैं, इसकी तैयारियां हैं, जोर शोर से जा रही हैं। अब जी हम लोग लेने लगे हैं जी लवेशरी के लिए आइसक्रीम लेनी है, आइसक्रीम के बाद फ्रूट कॉकटेल लेना है, फ्रूट कॉकटेल के बाद हमने लेना है क्रीम लेनी, ये तीन चार चीज़ें जो लेनी है वो लेते हैं, लेके फिर जो है इंशाल्लाह घर की तरफ चलते हैं। आइसक्रीम लेते हैं जी फ्रूट कॉकटेल में, तो आइसक्रीम तो जी हमें गई है मिल, तो अभी हम लेने वाले हैं फ्रूट कॉकटेल लेते हैं, बेबी जो है इन चीज़ों को देखे बड़ा हैप्पी हो रहा है, ये देखिए गड़बड़ी है, बेबी के लिए हमने स्क्रैप भी ले लिया जी, ये पड़ा अपना फ्रूट कॉकटेल, ये लेते हैं बास्केट मंगवाई है, बंदा जो है अपना बास्केट लेने गया, बास्केट लेके आता है उसमें चीज़ें डालते हैं, फिर जो है शॉपिंग मुकम्मल करते हैं। अब जो है इसके बाद क्या रहेगा, ऑलमोस्ट चीज़ें मुकम्मल हो गई, बिल टाइम हो गया जी, बिल ठीक करवाते हैं, थोड़ा बिल करवा के निकलते हैं, कटिंग शटिंग करवाने आ गए हैं, बैठे हुए तकरीबन पिछले एक घंटे से, पाँच छः बंदे पहले कटिंग करवा के चले गए हैं, हमारी बारी आ गई है, आज हम कटिंग करवाने के बाद कैसे लगते हैं। ईद तो नहीं हुई जी आज, तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेंगे लाइक और दोस्तों के साथ कर देंगे शेयर। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, चांद रात में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हमें और नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान रहा जी ये वाला, तो उम्मीद है इसी तरह ईद भी ऐसे ही खुशगवार ही गुजरेगी इंशाल्लाह।